तो जय श्री राम भैया, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाय श्री राम, फिर आ चुके हैं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आज 22 तारीख है, 22 तारीख मतलब ये दिन का, ये तारीख का इंतजार न जाने कितने लोगों ने कई सालों से किया था। बहुत ही घड़ी प्रतीक्षा के बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम स्वयं पधारेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो हमारे राम मंदिर बना है उसमें पूजा अर्चना होगा और ये स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और भैया ये दिन, ये जो दिन है 22 तारीख का दिन, इसका आज बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है, बहुत ही जोरों शोरों से सेलिब्रेट हो रहा है, जश्न मनाई जा रही है। और भैया आने वाले सालों में 22 तारीख को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। जो दिवाली नवंबर में आया करती थी वो आज स्वयं 22 तारीख जनवरी में ही आ चुकी है, पहला ही मंथ में आ चुकी है। क्योंकि भैया जब प्रभु श्रीराम स्वयं पधारेंगे अयोध्या तभी तो दिवाली मनाई जाती है ना। तो भैया कैसे पीछे रह सकते हैं हम लोग ये सारी चीजों में, हम भी हैं आगे और हम जो अपने तरफ से जो बन पड़ता था वो कर सकते हैं और हम करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो आज हम करेंगे प्रभु श्रीराम के गाने, भक्ति गाने, जो कि मतलब बनाए गए हैं, बहुत ही प्यार से बनाए गए हैं प्रभु श्री राम के लिए, उन पे रिएक्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे और हम भी भक्ति में लीन होंगे प्रभु श्री राम के। और भाई जहां प्रभु श्री राम का नाम हो वहां पे हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो चलिए साथ में रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और भक्ति में लीन होते हैं प्रभु श्री राम के गानों के साथ और 22 तारीख को एक यादगार दिन बनाते हैं और हमेशा साल दर साल इस 22 तारीख को ऐसे सेलिब्रेट किया जाए, ऐसे जश्न मनाया जाए और प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या पधारे, इस दिन का एकदम एक सुनहरे अक्षरों में कैलेंडर में रजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए रिएक्शन बनाते हैं, रिव्यू बनाते हैं और करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं, लेते हैं प्रभु श्री राम का नाम और चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा। तो भैया लोग आज हम करेंगे रिएक्ट अवध में रघुराज जो कि गए हंसराज रघुवंशी ने, जिनके गाने आप सुने ही होंगे। और भैया गाना 6 दिन पहले ही आया और काफी अच्छा खासा ट्रेंडिंग पे चल रहा, मतलब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है और अच्छा खासा व्यूज ला चुका है। तो भैया चलिए रिएक्ट करते, रिव्यू करते, जानते हैं कि गाना क्या है, कैसा है और कैसे रहती है इसकी म्यूजिक, कैसे रहते हैं लिरिक्स, कैसे रहती है भाई वो। चलिए लीन होते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति में, जय श्री राम का नाम लेके। तो चलिए शुरू करते रिएक्शन का कारवा, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया लोग चलिए शुरू करते रिएक्शन का कारवा, 3 2 1 लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। भैया ये गाना जो है, ये गाना मतलब जिस तरीके से स्टार्ट लेता है, जिस तरीके से, देखो भाई हंसराज रघुवंशी की आवाज की बात है तुम मत करो, क्योंकि भाई इनकी आवाज जो है, इनकी आवाज में वो पावर है भैया, एक अलग ही मतलब ऊर्जा रहती है, एक अलग ही एनर्जी रहती है, जो कि तुम्हें एकदम मतलब लगता है कि भैया सुनते हो तो तुम ऐसा फील करने लग जाते हो कि भैया तुम स्वयं प्रभु श्री राम के लिए मतलब लीन हो गए हो, मुक्त हो गए हो, उनके प्यार में, उनके भक्ति में मुक्त हो जाते हो। और भैया इनकी आवाज़ में वो पावर है। और ये गाने को थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड रखा गया है वो जो एनिमल का गाना आया था, ठीक है, जो जो गाया था कि अरे मैं गाने का नाम भूल गया, ठीक है, जिसे गाया था बी प्राक ने, ठीक है, और वो गाने का नाम पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो गाना से इंस्पायर्ड लिया गया, उस गाने से इंस्पायर्ड रखा गया। पर जिस तरीके से लिखा गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन उसको राइट ऑन किया गया है, बस उसके जो फ्लो को है उसको बस कॉपी किया है, पर बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई हंसराज रघुवंशी की बात ही ऐसी है कि भाई उनके गाने जो होते हैं, खासकर प्रभु श्री राम को लेके हो गए या फिर जो भी भक्ति गाने होते हैं, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये तो भाई स्पेशली भक्ति गाने ही बनाते हैं, क्योंकि इनका मैंने बहुत पहले एक गाना सुना था और फिर अभी सुन रहा हूँ, भाई
वो वोकल की जो टेक्सचर होती है ना वो चेंज ही नहीं हुई है, ठीक है, वो एज इट इज ही है, वो एज इट इज ही फील होती है, एज इट इज डिवाइन ही फील होती है। तो भैया मुझे तो पसंद आया, ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कैसा लगता है। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया 22 तारीख मतलब ये दिन आज से कैलेंडर में आने आने वाले युग में, ठीक है, इसे बहुत ही महत्व दिया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एज अ पर्व तैयार सेलिब्रेट किया जाएगा। जो दिवाली नवंबर में आया करती थी वो दिवाली आज 22 तारीख मतलब पहले ही आ चुकी है, जनवरी में ही आ चुकी है। और भैया सभी लोग अपने घर में आज दीप जलाएंगे, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि भैया दिवाली का माहौल है। हाँ, दिवाली जैसी जश्न नहीं होगी, पर हाँ दिवाली ही है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम अपने घर पधारते हैं तभी दिवाली सेलिब्रेट होती है। और आज प्रभु श्री राम का स्वयं मतलब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण मतलब क्या बोलते हैं, पूजा है, जो कि आज से वो प्रभु श्री राम का एकदम बोलो तो जो राजा मतलब राज्य था उनका, आज उनका स्वयं राज वहाँ पे बनेगा, क्योंकि भैया इतने सालों का इंतजार था, 500 सालों से इंतजार था इस घड़ी का, इस पल का, जो कि आज फाइनली आ चुका है। और ये हर लोगों के लिए, जो भी राम भक्त हैं, जो भी प्रभु श्री राम में भरोसा रखते हैं, बिलीव रखते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। और भैया ऐसी बस हम तो मतलब ऐसे ही चाहते हैं कि भैया ऐसी हर साल सेलिब्रेट हो, हर साल राम युग का सेलिब्रेट हो। और भाई जिस तरीके से राम की लहर अभी चल रही है ना, उस तरीके का राम की लहर मैंने तो कभी नहीं देखा, मतलब जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से तो इतना राम की लहर कभी नहीं सुना। आज जिधर देखो उधर राम लल्ले के चर्चे हैं, जुलूस हैं, मतलब रैलियाँ हैं, जो कि भाई ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ में बाधा डाल रही हैं, ये बस प्रभु श्री राम की भक्ति है जो कि लोग दिखा रहे हैं। सब कोई अयोध्या नहीं जा सकता, सब कोई भैया जाकर प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, लोग अपने घरों में दीप जला रहे हैं, लोग अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि बाहर जा रहे हैं तो प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो क्योंकि हर जगह गूंजनी चाहिए प्रभु श्री राम के नाम। और भाई इस तरीके का जो माहौल है, इस तरीके का जो अवसर है, वो मैंने मतलब कल रात मैं गया था, ठीक है, कल रात एक रैली में गया था, वहां पे जब मैंने ये सारी चीजें देखी, कदम से बता रहा हूँ, हजार लोगों की संख्या में भीड़ थी भाई, सभी प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे, रात के 12 बजे की बात है, इतने ठंड में, ठीक है, मतलब मैं देख के आश्चर्यचकित था कि भाई मतलब प्रभु श्री राम की भक्ति में लोग कितने लीन है, ठीक है, किसी को ठंड है ना, किसी को भूख प्यास कुछ नहीं लग रही, सब बस प्रभु श्री राम के नाम में लीन है भैया। और वहां पे कोई डीजे, कोई ये सारी चीजें नहीं थी, कोई फैंसी चीजें नहीं थी, जस्ट भक्त थे और प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे। तो भैया इससे अच्छा मौका मतलब इससे अच्छा दिन मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं काफी धन्य महसूस करता हूँ कि मैंने ये दिन, ये जो आज का दिन है, उसे मैंने साक्षात खुद अपने नजरों से देखा है भैया। और इस चीज के लिए मैं कभी मतलब सच्ची बता रहा हूँ, कभी नहीं भूल पाऊंगा ऐसी दिन। आने वाले सालों में जब हमारे बच्चे पूछेंगे कि भैया 22 की पापा 22 तारीख को क्या हुआ था, तो उन्हें मैं मतलब मेरी स्माइल और मेरे चेहरे की वो चमक देखकर ही वो समझ जाएंगे भैया क्या दिन था। तो ऐसा मौका आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा और आपने भी देखा होगा कुछ ऐसी चीजें, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या क्या फील किया और आपने क्या क्या चीजों को एक्सपीरियंस किया है आज 22 तारीख के दिन। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो भैया 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 गाना हो चुका है खत्म। और गाना क्या था, मतलब ये बीच में एक कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए, मैंने फोन साइलेंट नहीं रखा था, पर क्या करूँ भाई, मुझे लगा साइलेंट है फोन, सॉरी उसके लिए। पर खैर गाना हो चुका है खत्म। और क्या गाना था, मतलब मजा आ गया भैया सुन के, ठीक है। जिस तरीके से हंसराज ने गाया है, जिस तरीके से एंड का जो पोर्शन है, ठीक है, उसमें तुम्हें रोंगटे खड़ी हो जाती है। मतलब कि इस तरीके का वो वर्स रखा गया, इस तरीके का वो लाइन रखा गया है, क्योंकि भाई जीत गए रघुवंशी, मतलब हार गए बैरी और जीत गए रघुवंशी, वो जहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर सनातन धर्म सनातन धाम यही है सच बाकी सूर्य, वो जो जो एटमोस्फेयर बिल्ड होता है ना वहां पे तुम्हें लगता है कि भैया तुम अंदर से फील कर रहे हो चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे रोंगटे खड़े होना लाजमी है, क्योंकि भाई इस तरीके से वो लिखा गया, इस तरीके से म्यूजिक को बिल्ड किया गया है। म्यूजिक काफी सरल और काफी सिंपल तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं, तामझाम नहीं किया गया, नॉर्मल पेस पे जस्ट की वोकल को तुम महसूस करो। रघुवंशी, हंसराज रघुवंशी की भाई बात ही ऐसी है कि भाई उनकी जो वोकल है ना वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। वो अगर नॉर्मल सी चंद पंक्तियां भी कह देना तो भैया वो भी पावरफुल लगती है, क्योंकि इतना भारी और इतना पावर पैक इनका वोकल है, और वो मजा आता है सुनने में तुम्हें, ठीक है भाई। मैं तो काफी ज्यादा, मतलब मुझे काफी मजा आया ये गाना सुनने में, और ऐसे ही ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे नहीं चल रही, इतने ज्यादा व्यूज नहीं ला रही, क्योंकि भैया ये गाने में वो बात है, वो पावर है, वो जो तुम फील करो वो सारी चीजें हैं इसमें। तो भैया मुझे तो काफी पसंद आया, आप अपना बताइए कि आपको कैसा लगा ये गाना। अगर आपने नहीं सुना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अवध में रघुवंशी, अवध में रघुराय, जो कि हर्षराज रघुवंशी ने गाया है भैया, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही पावरफुल गाना है, और आप काफी डिमांड फील करोगे। तो इसके साथ हम लेते हैं अलविदा, और आपसे मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और राम भक्त और जय श्री राम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भैया इसी के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।